कल हादसा ये था, जैसे हमने रोजा इफ्तार की, नमाज से फारिग हुए, हमारे ताया थे मुर्तजा, वो भी हमारे साथ नमाज पढ़ कर आए। नमाज पढ़ कर आके घर पे वो बैठ गए, चारपाई पे बैठे हुए थे। हवा जैसे शुरू हुई, उन्होंने उनके घर के आदमी को अलर्ट किया, बच्चे वगैरह को एक आवाई इन अंदर कर लो, और वो यहीं चारपाई पे बैठे हुए थे। हमारे परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग थे और उनका साया हमारे सिर पर बहुत बड़ी चीज़ थी। हम अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं उनके जाने से। कितनी उनकी उम्र थी? उनकी उम्र तकरीबन 55 साल थी जी। नाम क्या था उनका? उनका नाम मोहम्मद मुर्तजा था जी। तो फिर इसके जैसे तेज हवा चली, तेज हवा चलने के बाद क्या हुआ जी? तेज हवा चली, जैसे आप ये हमारा टीन शेड देख रहे हैं, टीन शेड था ऊपर हमारे मकान की बाउंड्री है, ये बच्चों के रोक के लिए 3 फीट की हमने बाउंड्री बना रखी थी। हवा की तेज रफ्तार की वजह से बाउंड्री टीन शेड के ऊपर गिरी और टीन शेड के नीचे हमारे बड़े में बैठे हुए थे, उनके ऊपर ये टीन शेड भी गिरा और ईंट भी गिर गई। तो कोई यहाँ प्रशासन कभी आया हुआ था? कोई जी, प्रशासन से हमारे पटवारी जी आए, क्षेत्रीय लेखपाल जी और हमारे चौकी प्रभारी जी आए। तो प्रशासन ने किस तरह का आश्वासन दिया आपको? प्रशासन ने हर संभव मदद का वादा किया है और पटवारी जी कह रहे थे कि तकरीबन 4 लाख रुपए हम आपको जरूर दिलवा देंगे और जो भी सहायता हो सकेगी प्रशासन की तरफ से हर संभव आपकी सहायता की जाएगी। क्या क्या काम करते थे आपके बारे में? पिताजी तो आप घर पे देख रेख ही करते थे और बच्चे थे उनके लड़के, वो हम हैं वो काम करते हैं। और ये एक फैक्ट्री लगा रखी थी उन्होंने, ये भी बंद पड़ी हुई है इस वक्त में। सबसे बड़ी बात है कि वो हमारे घर के बड़े थे, उनके जाने की हम खला महसूस हो रहा, कमी महसूस कर रहे हैं हम। अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है, होगी तो हम उसे तुरंत जो भी हमारी दैवीय आपदा में राहत बनती है तत्काल सहायता उनको दे देंगे।